अगर आप भी जिम में जाकर बॉडी शॉडी बना के आईने में खुद को देखकर ये सोचते हैं कि अब तो आपके सामने सारे पानी का महल, तो जरा संभल के, क्योंकि आज द मिस्टिकल एंड पर आपको ऐसे एक से एक ताकतवर लोगों से रूबरू कराएंगे जिनके सामने तो अच्छे खासे हट्टे खट्टे आदमी भी हाथ जोड़ते हैं। एडी हॉल। दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, तभी तो इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं। हम बात कर रहे हैं एडी हॉल की, जो दुनिया भर में मशहूर वेटलिफ्टर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने साल 2017 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब जीता था। जी हाँ, बल्कि तभी इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने 500 किलो का वजन उठाकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी तो जब इनके स्विमर बनने का सपना टूटा तो इन्होंने हार नहीं मानी। दरअसल हुआ ये था कि एडी को महज 12 साल की उम्र में एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो गए। उसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ती गई कि उन्हें स्कूल स्विमिंग क्लब से तो बाहर निकाला ही गया, साथ ही स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया। इसके बाद एडी की हालत और ज्यादा खराब होती गई। ज्यादातर ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे गलत संगत में पड़कर शराब और ड्रग्स जैसी लत से जुड़कर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, लेकिन एडी उनमें से नहीं था। उसने तय किया कि वो अपनी सेहत को बेहतर करेगा। डॉक्टर्स और काउंसलर्स की मदद से एडी की तबीयत में सुधार आया। उसने जिम ज्वाइन कर हैवी वेट लिफ्ट करने शुरू किए, जिससे उसे काफी रिलैक्स महसूस होता था। आप में से अगर कोई जिम जाता होगा तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ थोड़ी एक्सरसाइजेस से भी हमें काफी अच्छा महसूस होता है। बस एडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसी लेवल लगातार हैवी वेट उठाने लगा। धीरे धीरे उसने वेट्स भी बढ़ाने शुरू किए। उनकी रुचि वेट लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ती चली गई। साल 2010 में उन्होंने पहली बार इंग्लिश स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहली बार में जीत हासिल की। इस जीत से उनका हौसला बढ़ा। कई कॉम्पिटिशन जीतने के बाद साल 2017 में इनके नाम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल रजिस्टर किया गया। आज एडी अपने यूट्यूब वीडियोज और इंस्टाग्राम से दुनिया भर के लोगों को अपनी ट्रेनिंग और डाइटिंग के बारे में बताते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। अगर आप भी इनकी स्टोरी जानकर इंप्रेस हुए हैं तो इनके जैसे डोले शोले पाना चाहते हैं तो जरूर आपको इनके पेज पर जाकर इनकी लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में और जानना चाहिए। मनोज चोपड़ा। 100 पन्ने की किताब को हाथों से कुछ सेकंड्स में फाड़ने से मजबूर बास्केटबॉल बैट को बड़ी आसानी से तोड़ने तक हमारे देश के गौरव मनोज चोपड़ा भी किसी दूसरे देशों के बॉडी बिल्डर से कम नहीं है। दोस्तों, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जैसे टाइटल अपने नाम करने के बाद ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉम्पिटिशन में हिंदुस्तान के पहले ऐसे आदमी बने जिनका नाम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट में 40 नंबर पर आया था। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ रायपुर से ताल्लुक रखने वाले मनोज का नाम मशहूर गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब जब जो होना है तब तब होता है, बस मनोज की जिंदगी भी कुछ ऐसी है। इनके एक मामूली लड़के से ताकत भर बनने का सफर जानने के लिए हमें वक्त के पन्नों को जरा पीछे पलट के देखना होगा। साल था 1991 का। मनोज इन दिनों बैंगलोर में खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाते थे, लेकिन बिजनेस में भारी लॉस की वजह से उन्हें अपनी ट्रैवल एजेंसी बंद करनी पड़ी। वो ये तो जानते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर उनका ये सपना टूटने का गम उन्हें इतना ज्यादा था कि वो काफी वायलेंट बन चुके थे। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ कमेंट्स में दोस्तों आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें यार। तो चलिए वापस आते हैं मनोज पर, जो अपना सपना टूटने के बाद बिल्कुल ही जिंदगी से हार मान चुके थे। अपने इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को जिंदगी से दूर करने के लिए उन्होंने फिस्ट फाइट का सहारा लिया और एक फिस्ट फाइट प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनका कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन निकला कि उस ओपोनेंट की हालत काफी खराब हो गई और मनोज को जेल की हवा खानी पड़ी। उनके इस वायलेंट नेचर की वजह से उनके दोस्त और रिश्तेदार उनसे दूर जाते गए। इसी बीच एक दिन टीवी पर उनकी नजर टीवी के एक चैनल पर चल रहे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन पर पड़ी। उनकी रुचि से देखने में बड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई भी हमारे देश भारत को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि अब उनका लक्ष्य एक ही है और वो है ग्लोबल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट करना, और उन्होंने इस दिशा में तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने हमारे देश को न सिर्फ ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया बल्कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट में जगह भी बनाई। जब इनसे इनकी सक्सेस का मंत्र पूछा गया तो इनका कहना था कि इनकी लाइफ का बस यही मोटो है, से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स। तभी तो ये न सिर्फ एज अ हैवीवेट लिफ्टर बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी दुनिया भर मशहूर है।
वैसे अगर आप इनके कारनामे और स्टोरी से इंस्पायर होकर इनके जैसे बनने की सोच रहे हो तो हम आपको बता दें कि आपको आपकी सुबह की शुरुआत 22 अंडे 6 पराठे 6 राइस केक्स और 2 लीटर फ्रूट जूस से करनी पड़ेगी। आधे दिन जिम एक्सरसाइज योगा और मेडिटेशन करके बताना होगा। इसके अलावा सिगरेट टोबैको शराब से कोसों दूर रहना पड़ेगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप हर दिन लगातार सालों तक ये कर पाएंगे? अगर हाँ तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आप भी किसी टीवी स्क्रीन पर ऐसे कॉम्पिटिशन में आपके परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे। हैव फॉर जूलियस जॉनसन। अगर आप भी गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज के फैन हैं तो हमारे अगले शानदार और हैंडसम वेट लिफ्टर को आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द माउंटेन कैरेक्टर से मशहूर हैव फॉर जूलियस जॉनसन के बारे में। आप इनके किरदार के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आइए अब द माउंटेन के किरदार के पीछे छुपे आदमी की जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। हैव फॉर आइलैंड से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पर की थी, लेकिन मेजर इंजरी के चलते उन्हें बहुत कम उम्र में बास्केटबॉल खेलने का सपना अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों अगर आपके साथ भी कभी आपके करियर में ऐसा हुआ हो तो आप समझ सकते होंगे कि हैव फॉर पर क्या बीती होगी। हैव फॉर बास्केटबॉल छोड़ने के बाद साधारण जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो रोज किटारा जमिंग कर रहे थे कि उस समय के आइसलैंड स्ट्रॉन्गमैन मैग्नस वर मैग्नूसन की नजर हैव फॉर पर पड़ी और उसने हैव फॉर को स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन के बारे में बताया। फिर क्या, जैसा कि हम में से हर मिडिल क्लास इंसान के साथ होता है, हैव फॉर के साथ भी वही हुआ। उसने नए सपने संजोने शुरू कर दिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता, सपने के साथ साथ मेहनत भी उतनी जरूरी होती है। हैव फॉर ने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए कड़ी तैयारी शुरू कर दी। इनफैक्ट ये इकलौते ऐसे इंसान बने जिन्होंने एक ही साल में 3 टाइटल्स अपने नाम कर लिए। साल 2018 में इन्होंने आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल अपने नाम किया और इसके बाद ये टाइटल्स का कारवा यूं ही चलता रहा। इन्होंने 20 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गमैन टाइटल्स अपने नाम किए। हम सब इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्वे के कॉम्पिटिशन में 33 फीट लंबे और 648 किलो वजन की लकड़ी कोठाकार 5 कदम चले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इतना ही नहीं, रस्सी की मदद से गाड़ियां और ट्रक्स भी खींचे, जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो इनके लिए बायात का खेल है। अब ऐसे ताकतवर आदमी से कौन उलझना पसंद करेगा। वैसे हैव फॉर की अमेजिंग लाइफ जर्नी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। रॉबर्ट ओबर्स्ट हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है। कैलिफोर्निया अमेरिका के मशहूर रॉबर्ट ओबर्स्ट। दरअसल ओबर्स्ट बचपन में अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफी लंबे और अट्टे कट्टे थे, इसी के चलते वो क्लास की भीड़ में अलग ही नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं देखा। इनफैक्ट उन्होंने स्कूल के फुटबॉल क्लब में खुद को शामिल किया। जैसे जैसे वो खेलते गए उनकी रुचि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती गई और इनका फुटबॉल खेलने का सिलसिला यूनिवर्सिटी तक चला। यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें उनकी लंबी हाइट और बड़ा शरीर का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने एक नाइट क्लब में बाउंसर के तौर पर नौकरी करना शुरू किया। वहां उनकी दोस्ती एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी एक सलाह ने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। वैसे क्या आपने कभी आपके दोस्त को या उसने आपको कुछ ऐसी एक सलाह दी है जिसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आया हो? हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों वापस आते हैं रॉबर्ट की जिंदगी के सफर पर। रॉबर्ट को उनके दोस्त ने स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन की जबरदस्त दुनिया से वाकिफ कराया। इसके बाद रॉबर्ट को भी इन चीजों को जानने और देखने में रुचि बढ़ी। उन्होंने जिम जाकर कड़ी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि उन्होंने पहले ही दिन एमेच्योर लॉन्ग प्रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कई स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर रॉबर्ट ने कई टाइटल्स अपने नाम किए। किसी ने सच ही कहा कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती है। सज्जाद गरीबी। 6 फीट 2 इंच लंबाई और 200 किलो का वजन मशहूर सज्जाद गरीबी की तस्वीरें आपने शायद सोशल मीडिया पर कई बार देखी होगी। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आपने मशहूर मूवी द हल्क तो देखी होगी और आपको सज्जाद और द हल्क की बॉडी में काफी सिमिलैरिटीज दिखाई दी होगी। इसलिए जायंट मैन दुनिया भर में ईरानियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 6 फीट 2 इंच लंबे आदमी की जिंदगी की कुछ मजेदार बातें शायद ही आप जानते होंगे। सज्जाद सिर्फ हल्क जैसा दिखता ही नहीं बल्कि इनक्रेडिबल हल्क की कई सारी खूबियां भी इसमें। सज्जाद के हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने शरीर से भी ज्यादा वजन बड़े आसानी से उठा लेते हैं। इतना ही नहीं जनाब, तो
मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भी माहिर हैं और तो और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में अपनी ताकत का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हैं। वैसे इनकी सारी खूबियां हल्क से नहीं मिलती, जितना हल्क उत्सल है उतना ही सज्जाद शांत है। इनफैक्ट इन्हें बच्चे इतने पसंद हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी टाइम निकाल कर बीमार बच्चों से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको इस ईरानियन हल्क से पंगा लेने की सलाह नहीं देंगे। अगर सलाह की बात चली रही है तो आपको ये कहेंगे कि आप इनसे जरूरतमंदों की मदद करना सीखिए। सज्जाद ने न सिर्फ बीमार लोगों के साथ समय बिताया है बल्कि अपने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन से मिले प्राइज मनी से कुछ हिस्सा चैरिटीज में भी दान जरूर देते हैं। क्यों ना हम भी ये प्रण लें कि साल में एक बार जरूर हम छोटी सही कम से कम प्रिविलेज लोगों की मदद तो करेंगे और अपनी कमाई का छोटा हिस्सा डोनेट करें। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो ने काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।